कोरोना की चौथी लहर की संभावना को देखते हुए 23 मार्च से 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई महानगर पालिका की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले राजस्थान इकाई में अंदरूनी कलह को खत्म करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में दर्दनाक हादसे में 3 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। राज्यसभा में आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा चालक को अधिक किराया मांगने पर थाने ले जाने के बहाने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 11 मंत्रियों में से 7 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। गोवा में भाजपा के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी रामबन जिले में अपने घर में मृत पाया गया।